कश्मीर के खूबसूरत वादियों पर ऐसा हमेशा लगता रहा जैसे किसी का श्राप रहा, किसी की बुरी नजर रही हो, जिस कारण लोग यहाँ पर अशांति के कारण आ नहीं सके। अब श्रीनगर में G20 जिसकी पूरी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से आराम से लोग घूम रहे हैं, हम इस समय अनंतनाग में हैं। अनंतनाग हम आपको ये भी याद दिला दें कि काफी डिस्टर्ब भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। आज तक संवाददाता को यहाँ पर आम कश्मीरी के साथ साथ सैलानी भी मिले, जिनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होने के बाद कश्मीर की सच्चाई बाहर आ गई। शांति अब है यहाँ पर? बिल्कुल 100% शांति है। तो आज लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टूरिज्म बैकबोन माना जाता है वो किस तरीके से बूस्ट हो जाए। तो आजकल के नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो बहनें हैं, वो चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति है, और आजकल 2019 के बाद कोई यहाँ पर हड़ताल नहीं होता है, तो अपने अपने तरीके से रोजगार के वसाइल कमा रहे हैं। क्या कह सकते हैं कि जो हम 1980s के जम्मू कश्मीर को याद करते हैं वैसी ही तस्वीर फिर उभर रही है यहाँ की? बिल्कुल, उससे ज्यादा अच्छा माहौल आज पैदा है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि अगर आप बर्फ के शौकीन हैं, तो फिर आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। कश्मीर की घाटियों से घिरे इस क्षेत्र में घूमने लायक कई जगह हैं। अनंतनाग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा की ओर जाते हुए अनेक नागों का त्याग किया और उस जगह को अनंतनाग के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन अलगाववादी इस शहर को इस्लामाबाद कहकर बुलाते रहे हैं। मगर उसी अनंतनाग में बदलाव की बयार बह रही है। कश्मीर में अमन का फायदा पर्यटकों की संख्या बढ़ने के रूप में राज्य को मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में साल 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ के पार जा सकती है। आपको लगा कि शांति है यहाँ पर, अमन है? हाँ मैम, बहुत शांति लग रही है। पहले आते थे घूमने? नहीं, पहले नहीं आए, आज पहली बार। आज बच्चों को लेकर आई है, यानी कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर महफूज लग रहा है? जी हाँ जी। देखिए, ये एक दो लोगों की विचार की बात नहीं है, आप जितने भी लोगों की बात सुन रहे हैं आप उससे समझ सकते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि सब कुछ सही है और जम्मू कश्मीर का हर एक जो इलाका है वो इस तरह का है जहां पर लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, 80 के दशक की बातें होती है यहां पर, कि परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही है, तो इसमें किसी को कोई असमंजस होना नहीं चाहिए। श्रीनगर में G20 के आयोजन को जिस तरह से विदेशी प्रतिनिधियों ने हाथों हाथ लिया है, उससे कश्मीरियत की झलक को देखने के लिए जल्द विदेशी मेहमान भारत आने का इरादा करेंगे। ग्रीन टूरिज्म, ऑफ पीक डेस्टिनेशन, लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट तथा टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करने की हम सब ने कोशिश की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर ने सकल घरेलू उत्पाद में GDP में लगभग 7% का योगदान दिया है। कश्मीर अब एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, तो दुर्गम इलाकों में रेल लाइन और टनल का जाल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य का विकास नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिसके पक्ष में खुद वहां के लोग गवाही दे रहे हैं। अनंतनाग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।